अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज मैं आपके अपने चैनल सांप जिंदाबाद में आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। जी तो प्यारी बहनों, टाइम बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पैक नूडल और एक अंडा चाहिए। आपने फ्राई पैन में एक कप पानी का ऐड करना है। पानी को आपने बॉयल कर लेना है। इसके बाद हम इसमें नूडल ऐड करेंगे। अब हम इसमें नूडल मसाला ऐड करेंगे। आपने इसमें चमचे हिलाते रहना है ताकि हमारे नूडल खुल जाए। अब हमारे नूडल रेडी हो चुके हैं। अब हम नूडल एक बाउल में लेंगे। अब हमने अंडा बॉईल कर लिया। अंडे को आपने कट लगाना है। आपने जर्दी निकाल लेनी है अंडे की। अब आपने अंडे के छोटे छोटे स्लाइसेस काटने हैं। आपने शेप में अंडा काट लेना है छोटा छोटा। अब हम अंडा नूडल में ऐड करेंगे। अब हम इसमें केचप भी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने एक और अंडा लिया है, इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हमने एक ब्रेड लिया है, ब्रेड के ऊपर आपने नूडल रख लेने हैं, बिल्कुल सेंटर में रखने हैं आपने। ब्रेड की साइडें आपने काट लेनी है। अब हम अंडा लगा लेंगे साइडों पे ब्रश की मदद से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह इसको टैप करना है ताकि हमारा ये जो ब्रेड है अच्छी तरह सील हो जाए चारों साइडों से। अब हम ये फ्राई करेंगे। हम वन बाय वन सारे ब्रेड इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। पहले आपने इसकी एक साइड पकानी है। ये हमारी इसकी एक साइड बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पकाएंगे। अब हम इसकी साइडें पका लेंगे। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। उम्मीद है मेरी बहनों को हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोबारा मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।